हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साईनाथ विद्यालय। आज के लेक्चर में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिटेल में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि इनमें क्या क्या पाया जाता है तथा ये क्रोमोसोम किन किन जीवों में के किन किन पार्टों में पाया जाता है। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है वह निम्नलिखित टू टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या होगा, लैंगिक क्रोमोसोम, एंड दूसरा क्या है, पॉलीडिन या बाल यांत्रिक। तो सबसे पहले हम लैंगिक क्रोमोसोम्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो लैंगिक क्रोमोसोम जो है ये विभिन्न प्रकार के जीव जैसे मछली हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इन सब के उस साइड में पाया जाने वाला क्रोमोसोम है। ठीक है ना, इन सब के उस साइड में पाया जाने वाला क्रोमोसोम है जो आकार में बहुत बड़े आकार का होता है। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम्स को सबसे पहले या लैंगिक क्रोमोसोम्स को सबसे पहले रुकर्ट नामक साइंटिस्ट ने अध्ययन किया। ठीक है ना, रुकर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1892 में सबसे पहले अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो लैंगिक क्रोमोसोम है इनकी संरचना जो लालटेन होता है। ठीक है ना, लालटेन आप लोग सब लोग देखे होंगे। ठीक है, जब लाइट चली जाती है तो अपन लालटेन जलाते हैं, ठीक है, रूम या घर को रोशन करने के लिए। तो लालटेन की शीशा सब लोग देखे होंगे। ठीक है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है लैंप। ठीक है, एंड क्या है, बस। तो लैंप के जो शीशा है उसके साफ करने वाला जो ब्रश है उसके आकार की संरचना क्या होती है, लैंगिक क्रोमोसोम की होती है। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कि जो लैंगिक क्रोमोसोम है वह एक लैंप की शीशा साफ करने के आकार का जो ब्रश होता है उस आकार का क्या होता है, इनकी संरचना होती है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ये क्या है, लैंगिक जो क्रोमोसोम है ये नग्न आंखों से भी दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा भी। तो लैंगिक की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसा है। तो लैंगिक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमें बीच में, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रश के समान संरचना होती है, लैंप के शीशे को साफ करने वाला जो ब्रश है उस आकार की संरचना होती है जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई रॉड है। ठीक है, उनके चारों तरफ एक बलय के रूप में, एक रिंग के रूप में संरचना दिखाई दे रही है, एक हेयर के रूप में संरचना जो दिखाई दे रही है वो क्या है, आरएनए। ठीक है ना, वो क्या है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जो हमें एक कंटीन्यूअसली आकार में एक लाइनर सेल में संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, डीएनए की संरचना है। ठीक है ना, और इन्हीं जो लाइनर अवस्था है या मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के दोनों लेयर में, दोनों पार्ट में जो हमें डॉटेड आकार की संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, आरएनए। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, इधर से जब स्टार्ट होता है इनकी संरचना बनने में तो जो इधर वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, एक है पैरेलल, एक क्या है, एंटी पैरेलल। ठीक है ना, या एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। ठीक है ना, घड़ी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इनमें दो चक्र है, एक होगा दक्षिणावर्त, एक होगा वामावर्त। तो ये वाला क्षेत्र जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला एरिया है। ठीक है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला एरिया है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप पे आता है, जब एक राउंड लगा देता है, ठीक है, एक राउंड डीएनए की जो मॉलिक्यूल्स है वो लगा देता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ लूप मूवमेंट, मतलब जो दोनों एयर के जब ये राउंड लगा लेने के बाद एक संरचना बन रही है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, फिर जब इधर से राउंडेड हो रहा है तो वही क्षेत्र है, वही चीज है, रीजन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ठीक है ना, रीजन ऑफ आरएनए सिंथेसिस।
ठीक है। तो इधर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो भी क्या है, रीजन ऑफ आरएनए सिंथेसिस की हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ आरएनए मतलब ऊपर से शुरू हो रहे हैं, नीचे क्या हो गए हैं, लास्ट हो रहा है। तो ये था क्या, लैंगुएज क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये लैंगुएज क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर था। अब इनके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो जो लैंगुएज क्रोमोसोम है, ठीक है ना, लैंगुएज क्रोमोसोम है, आप लोग एग देखे होंगे, ठीक है ना, लैंगुएज क्रोमोसोम ज्यादातर एग में ही पाया जाता है, ठीक है। तो एग का जो संरचना होती है एग के बीच वाले पार्ट में जो हमें पीले आकार की संरचना दिखाई देती है, जो हमें येलो आकार की संरचना दिखाई देती है, क्या उसे क्या बोलते हैं, यॉक, ठीक है। तो लैंगुएज क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या है, उस यॉक का निर्माण करना या उस यॉक का फॉर्मेशन करने का महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है, लैंगुएज क्रोमोसोम का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लैंगुएज क्रोमोसोम, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं सेकेंड नंबर में क्या है, पॉलीटिन क्रोमोसोम ओ आर या अथवा बाइनरी रिंग। तो जो ये पॉलीटिन क्रोमोसोम है यह स्पेशल एक जीव में या एक इंसेक्ट में पाया जाता है, वो कौन सा जीव है, डिप्टेरा, ठीक है ना, डिप्टेरा, ठीक है, डिप्टेरा नामक इंसेक्ट में यह क्या होता है, पाया जाता है। तो डिप्टेरा नामक इंसेक्ट में कहां पाया जाएगा, लार्वा में भी पाया जाएगा उसके, ठीक है, आहार नाल में भी पाया जाएगा, मैनपीलियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होगा। तो इसको अध्ययन करने के लिए 1881 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, बालियानी, ठीक है ना। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स का अध्ययन किया, बट नाम उन्होंने नहीं दिया, नाम एक ना साइंटिस्ट आते हैं कॉलर, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट आते हैं कॉलर जिन्होंने पॉलीटिन नाम रखा, ठीक है ना, जिन्होंने पॉलीटिन नाम दिया। तो जो बालियानी नामक साइंटिस्ट आते हैं तो डिप्टेरा नामक जो इंसेक्ट है उनके लार्वा में, ठीक है, लार्वा में पाया जाने वाला जो जीन्स एंड क्रोमोजोम है, ठीक है ना, जीन एंड क्रोमोजोम है, दोनों का कंबाइन स्टडी कर किया और उन्होंने बताया कि जो बालियानी की संरचना है, जो पॉलीटिन की संरचना है, ये क्या है, एक रिंग लाइक है, ठीक है ना, ये रिंग लाइक संरचना है जिनमें 9 to 10 फाइबर्स आपस में उलझे हुए संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, बालियानी, ठीक है ना, और इन्होंने बालियानी नाम दिया, अपने नाम पर ही क्या किया, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स का नाम रखा, ठीक है ना। तो जो इनमें ये बालियानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला है, एंडोमाइटोसिस, ठीक है ना, एंडोमाइटोसिस। बालियानी नामक साइंटिस्ट ने जब जीन्स एंड क्रोमोसोम दोनों को कंबाइन करके अध्ययन किया तो उनको एक संरचना दिखाई दिया जो क्या है, कई रिंगों से या कई फाइबर से मिलकर के उलझे हुए संरचना दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या बोला उसको, एंडोमाइटोसिस कहा है, एंडोमाइटोसिस नाम रखा। इसके बाद पॉलीटिन क्रोमोसोम में लगभग हजारों की संख्या में बलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पॉलीटिन क्रोमोसोम है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनमें विभिन्न कई प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, रिंग्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, कई प्रकार की या कई रिंगे पाए जा रही है, मतलब एक रॉड हो गया एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक रॉड हो गए, ये मार्कर हो गए, इन मार्कर में कई परत पाई जा रही है, एक फाइबर्स की कई लेयर पाई जा रही है, जो क्या कर रही है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ठीक है ना। तो लगभग इनकी संख्या 512 के आकार की हुई, ठीक है ना, 512 क्या हुई, इनकी रिंग्स की नंबर हुई है, रिंग की संख्या हुई। तो ये क्या बना रहा है, एक रिंग का नाम बना रहा है, एक रिंग का संरचना बना रहा है, जिसके नाम पे इसे पॉलीटिन क्रोमोसोम नाम कॉलर नामक साइंटिस्ट ने दिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो
सॉरी फंक्शंस नहीं, अभी अपन देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। तो केमिकल कंपोजिशन निम्नलिखित थ्री टाइप्स में होंगे या थ्री टाइप्स के पाए जाएंगे क्वालिटी इन प्रोपोर्शन में। पहला क्या होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना। पहला क्या होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन जो कितना होगा 81% होगा, ठीक है ना। पहला क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन जो 90% है। अब इन डीऑक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन में टू टाइप्स में फिर से डिवाइड हो रहे हैं, डीएनए पाया जा रहा है या शॉर्ट प्रोटीन पाया जा रहा है। तो डीएनए की मात्रा कितना है 45% है, यानी हिस्टोन की मात्रा कितना है 55% है। फिर सेकेंड नंबर में है रेसिडुअल क्रोमोजोम, मतलब निवास जो उनमें स्पेशल रूप से पाया जाने वाला क्रोमोजोम है उनकी मात्रा कितना है, ठीक है। तो ये क्या है 10% पाया जा रहा है। 10% में से 14% क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है। एंड 2-3% क्या पाया जा रहा है, डीआरजी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए पाया जा रहा है। थर्ड नंबर में है रेसिडुअल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी क्रोमोसोम एंड लेंथ क्रोमोसोम को निर्माण करने में कहीं ना कहीं प्रोटीन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रोटीन की संख्या या प्रोटीन की मात्रा कितना है 81-68% है, ठीक है ना। तो ये क्या था, क्वालिटी क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन। अब फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो जो क्वालिटी क्रोमोसोम्स का मुख्य फंक्शन है ये क्या कर रहा है, फिजियोलॉजिकल नियंत्रण, ठीक है ना। क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण योगदान क्या है, फिजियोलॉजिकल क्रिया को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है कौन, क्वालिटी क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो भी किसके कर रहे हैं, डिप्टेरा नामक इंसेक्ट के, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना, उन फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी की क्रिया को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, क्वालिटी क्रोमोसोम उसका, ठीक है ना। यह प्राणियों में उत्पन्न होने वाले लक्षण है, ठीक है ना। जो डिप्टेरिया नामक इंसेक्ट है इनके जीवों में या इन जीवों में उत्पन्न होने वाले जो बाह्य लक्षण है या बाह्य कैरेक्टर है उनको क्या कर रहा है, नियमन कंट्रोलिंग का कार्य कौन कर रहा है, क्वालिटी क्रोमोसोम्स कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम, ठीक है ना, लैंगोसेट क्वालिटी क्रोमोसोम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।